आज के शूट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये शूट है मेरे बहुत ही पुराने फ्रेंड और उनकी वाइफ का, जिसको मैं शायद लास्ट 2017 में मिली थी एंड आज हम मिल रहे हैं फाइनली उनके बिग डे पर. मैं हूँ आकांक्षा शर्मा, फाउंडर ऑफ नॉट इवेंट्स, फैशन डिजाइनर कम फोटोग्राफर. सो सडनली एक दिन मेरे पास सुमित का मैसेज आता है कि आकांक्षा शूट प्लान कर रहे हैं. उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि इश्विन एक्सपेक्ट कर रही हैं. सो हमने प्लान किया, सब कुछ हुआ एंड फाइनली आज वो दिन आ गया है जब नॉर्मली करने वाले हैं कि क्लाइंट सामने से बताते हैं कि आकांक्षा हमें ये चाहिए, ये चाहिए, हमें ये सेटअप चाहिए, हमें ऐसे ड्रेसेस चाहिए. बट सुमित और अश्विन के केस में उन दोनों ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि ठीक है तुम प्लान करो, तुम्हें जैसा भी करना है. सो मैंने ये शूट प्लान किया. अब आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको फाइनल शॉट्स दिखेंगे और आपको पता चलेगा कि शूट हमारा कैसे था. जैसे कि आप देख सकते हो इश्विन ने पिक किया है पिंक ड्रेस जो कि ट्यूल ड्रेस है और ये हमारे स्टूडियो की मोस्ट पिक्ड ड्रेस है, मतलब सबको ये पसंद आती है. सो आई वॉज लाइक ओके कि आपको अगर ये पसंद है तो हम ये पहनते. उसके बाद क्लाइंट एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, आपके फेस में वो स्माइल नहीं होगी, तो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी. हाँ, बॉडीकॉन ड्रेस जो कि व्हाइट कलर की बॉडीकॉन ड्रेस है, क्योंकि इसमें हमें रोमियो के साथ शॉट्स करने थे. अगर आप ट्यूल ड्रेस में वो शॉट्स करते तो वो शॉट्स उतने क्लियर नहीं आते और रोमियो छुप जाता उस ड्रेस में. सो इसलिए हमने ये पिक किया. थर्ड लुक था हमारा रेड कलर का ड्रेप जो कि एज अ ड्रेस स्टाइल में ही ड्रेप किया हुआ है, क्योंकि सुमित और अश्विन को ज्यादा कुछ ऐसा तड़कता भड़कता नहीं चाहिए था, उन्हें बहुत सिंपल सा शूट चाहिए था. सो हेयर इट इज. आप लोग फुल वीडियो देखेंगे, आपको लास्ट तक आप अगर वीडियो देखते हो तो आपको फाइनल शॉट्स भी मिल जाएंगे कि शॉट्स कैसे आए थे. एंड पर्सनली मैंने ये शूट बहुत इंजॉय किया था. मैं अपने सारे शूट्स इंजॉय करती हूँ बट ये वाला शूट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था. ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर द फाइनल शॉट्स.